गाइस वेलकम बैक टू टॉट पीडी चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साइड बंच के हेयर को क्लीन करना। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाई हुई है जिनके अंदर मैंने बताया हुआ है कि अगर आपके फेस के ऊपर साइड बंच के हेयर्स है तो आप उन्हें थ्रेड की हेल्प से किस तरह क्लीन कर सकते हैं एंड आप उन्हें रेजर की हेल्प से भी क्लीन किस तरह कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर दो वीडियो पहले ही बनाई हुई, लेकिन आज ये थर्ड वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको वैक्स का तरीका बताया जाएगा, वैक्स की हेल्प से किस तरह से अपने साइड बंच यानी कि आपके फेस के जो चिक के साइड में जो हेयर्स है उन हेयर्स को आप वैक्स के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। सो गाइस, साइड बंच के हेयर आप चाहे तो पार्लर में भी क्लीन करा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ घर बैठे वैक्स की हेल्प से कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप साइड बंच के हेयर रिमूव करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो तरीका बता रही हूँ वो एक वैक्स का तरीका है और आज मैं जो वैक्स लेने वाली हूँ वो गर्म करने वाली वैक्स है। मेरे पास अरोमा के यहाँ व्हाइट चॉकलेट वैक्स है और इस वैक्स से मैं जो है फेस के जो बंच हेयर है उनको मैं निकालना बताऊंगी। मेरे पास जो है वैक्स पट्टियाँ आप देख सकते हैं, कलरफुल पट्टियाँ हैं। इन पट्टियों का आप साइज देख सकते हैं, काफी बड़ा इनका साइज है, बट हमें जो इनका साइज है छोटा करना पड़ेगा। सीजर की हेल्प से मैं इन्हें जो है कट कर लूंगी। कट करने के बाद इन पट्टियों का हमें यूज लेना होगा। अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो आप वैक्स हीटर में वैक्स को गर्म कर सकते हैं। अगर वैक्स हीटर नहीं है आप डायरेक्ट गैस पर किसी भी बर्तन में डाल के वैक्स को गर्म कर सकते हैं। गर्म होने के बाद आप वैक्स को किसी स्पून की हेल्प से या आप वैक्स नाइफ की हेल्प निकाल के यूज ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो का तरीका है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। पर मैंने जो वैक्स की पट्टी है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और ये जो वैक्स की पट्टी है आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगी। बंच के हेयर निकालने जा रहे हैं वो अब उस एरिया के हिसाब से यानी उस मेजर के हिसाब से हमें इस पट्टी को कट कर लेनी है। सो मैंने यहाँ पर दो पट्टियाँ कट की है एंड हमारी जो वैक्स है वो गर्म हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वैक्स हीटर में वैक्स को गर्म किया है। अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो आप डायरेक्ट गैस पर भी गर्म कर सकते हैं और लगाने का जो प्रोसेस है वो आपको लगाने से पहले एक बार अपने हैंड पर चेक कर लेना होगा। यदि आपके पर लगाने के बाद सूट हो रही है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आप उसे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके स्किन को वैक्स की ज़्यादा हीट फील हो रही है तो आप वैक्स को डायरेक्ट फेस पर कभी ना लगाएं। यहाँ पर वैक्स को लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और लगाने से पहले हमें जो टैल्कम पाउडर है वो अच्छे से फैला लेना होगा। टैल्कम पाउडर इसलिए लगाया जाता है ताकि फेस का जो मॉइस्चर है और फेस पर जो चिकनाई है वो ड्राई हो सके, ताकि इसी तरीके से हेयर्स रिमूव हो पाए। तो यहाँ पर मैंने पाउडर अप्लाई कर दिया है एंड जो वैक्स है उसको मैं वैक्स नाइफ में लेते हुए पहले मैं उसे चेक कर लेती हूँ अपने हाथ पर। तो अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। तो गाइस, मैंने इस तरह से वैक्स को फैला दी है एंड मैं आई है और इस पर मैं लगा देती हूँ पट्टी। हमें 2-3 मिनट इस तरह से प्रेस करना है, देन इसके बाद हमें एक हाथ नीचे की तरफ रखना है कुछ इस तरह और हल्की सी स्किन स्ट्रेच करनी है और झटका लगा के हमें खींच देना है। सो फ्रेंड्स, एक बार आपको पेन जरूर होगा, लेकिन आप जब देखेंगे कि आपके हेयर्स इतने सारे एक बार निकल गए हैं, देख सकते हैं कितने सारे हेयर्स मैंने एक बार में ही वैक्स लगाने के बाद निकाली हुई है जो हमारी एक बार में नहीं निकल पाई। अब उसे सेकंड टाइम में निकालते हैं। पट्टी को हमें वापस रख लेना है इस तरह और हमें इस तरह प्रेस करना है एक मिनट के लिए एंड देन हमें नीचे की तरफ रखते हुए थोड़ी सी स्ट्रेच करनी है और उसे पकड़ के खींच लेना है। एंड देन नीचे की तरफ हाथ रखते हुए पट्टी को खींच लेना है, निकल पाते हैं। लाइफ प्रूफ आप इस पट्टी में देख सकते हैं कितने सारे हेयर्स हमें ही निकले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे जो यहाँ के जो हेयर्स है वो अच्छे से निकल जाते हैं एंड देन उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट साइड पर। तो यहाँ पर भी हमें वही तरीका फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट में ट्राई किया था। तो यहाँ पर मैं पहले टैल्कम पाउडर लगा लेती हूँ इस तरह से रख लेना है और 2-3 मिनट इस तरह प्रेस करना है
लगाते हुए स्ट्रेच करनी है एंड देन झटके से क्लीन कर लेनी है। अच्छे जो हेयर्स है वो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और मैं बार बार में जो हाथ रख रही हूँ यहाँ पर, हाथ रखने का मेरा ये प्रोसेस है कि क्योंकि जब हेयर्स निकलते हैं, एक बार पट्टी जब खींचती है हेयर्स निकलते हैं तो उससे पेन होता है, लेकिन जब हम हाथ को रख लेते हैं तो उस पेन में काफ़ी रिलीफ होता है, तो इसीलिए मैं बार बार में हाथ रख रही हूँ। बंच की हेयर वैक्स से निकालने में थोड़ा सा पेन जरूर होता है, लेकिन जब हेयर्स निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं इन दोनों पट्टियों में कितने सारे हेयर्स निकल चुके हैं। आपने 2 मिनट के अंदर अंदर आपके जो साइड बंच के हेयर्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। देन इसके बाद आप चाहे तो फेस को वॉश कर सकते हैं, चाहे आप टॉवल को गीला करके मेरी तरह क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मॉइस्चराइजर क्रीम ले रही हूँ और इसको हल्के हाथों से फेस उस एरिया पर मसाज कर लेती हूँ जहां पर मैंने वैक्स की है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप फेस के हेयर्स निकलने के बाद स्किन कितनी क्लीन हो जाती है। वैक्स से निकालने का ये तरीका आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। बाय बाय।